हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस के एनी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। इस लेक्चर में आपको जो है ए टू जेड बिल्कुल 100% फुल चैप्टर आपको मिलेगा, और फुल चैप्टर में जो आपको मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर मिलेगा आपको फुल चैप्टर। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का फुल चैप्टर हम लोगों ने अपलोड किया था, उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बहुत सारे ढेर सारे लाइक्स और काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए हैं उसमें। तो आज हम लोग अपलोड करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, और जिसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। ए टू जेड न्यूमेरिक्स के साथ साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को जो अपलोड करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा यानी लेंदी होगा, तो आपको अगर वीडियो एक साथ ज़्यादा लेंदी वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्ट पार्ट करके हाफ एन आवर करके जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद आप वीडियो को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसी में आपको, अगर आप यहाँ रहते हैं, बने हुए रहते हैं लास्ट तक, तो आपको कोई और बुक या किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे सब कुछ जो है आपको 100% कॉन्सेप्ट नॉलेज इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लास 10th का, यहाँ पे फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आप जानते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे हमें जानते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं बहुत सारे बच्चे, जिसको अच्छे वीडियोस अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये खास तौर से जो है CBSE बोर्ड के लिए और अदर स्टेट्स बोर्ड्स के लिए बनाया जा रहा है। इसमें हर तरह के बुक्स को ध्यान में रखा जाएगा, NCERT के साथ साथ एस चांद बुक, दिनेश बुक या अदर पब्लिकेशन का जो भी बुक्स है, फिजिक्स आपका, जैम आइडिया वगैरह, सब कुछ बुक को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को बनाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए लास्ट तक ये लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्रॉम वेयर वी डिड गेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने कहाँ से पाया और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और ओयरस्टेड कौन थे या एम्पेयर कौन था, ये सारा कुछ हम लोग को इसके बारे में जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो चैप्टर है ये फुल्ली बेस्ड है हमारे मैग्नेट पे, इसलिए हमको जो है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। तो आइए देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। नंबर वन पॉइंट की अगर बात करें हम लोग मैग्नेट, तो मैग्नेट की जो हिस्ट्री है, ये मैग्नेट सबसे पहली बार पाया गया था एक चरवाहा, सिफर्ड जिसको कहते हैं, एक चरवाहा ने पाया था। कब पाया था? अराउंड अराउंड 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले लगभग, या उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा हो सकता है, अंदाजतन कह सकते हैं हम लोग, एक एस्टिमेटम है। अ सीफर्ड, सीफर्ड, सीफर्ड किसको कहते हैं? चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाले को। अ सीफर्ड फाउंड या डिस्कवर्ड मैग्नेट्स, मैग्नेट्स इन मैग्नेशिया ग्रीस कंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री? ग्रीस। मैग्नेशिया ग्रीस जो कंट्री है उसमें पाया गया था मैग्नेट पहली बार 2000 से भी ज़्यादा साल पहले। उसके बाद एक नंबर पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट को अगर हम लोग डिस्कस करें, तो दूसरा पॉइंट इसका आ जाता है कि पहली बार मैग्नेट को तो पाया गया, ठीक है, अब जो स्टोन्स पाया गया था वो मैग्नेशिया में पाया गया था, इसलिए उसको मैग्नेशिया के वजह से ही मैग्नेट नाम दिया गया था। दूसरे नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, और दूसरा नंबर पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसमें आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट में आ जाएगा फर्स्टली, फर्स्टली चाइना यूज्ड मैग्नेट, मैग्नेट इन 1200 एडी फॉर मेकिंग या फॉर नेविगेशन, 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 आप एक साथ लिख लीजिएगा नेविगेशन। नेविगेशन मतलब मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना, मैग्नेटिक कंपास गोल्ड कलर का, उसको भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये मैग्नेटिक जो कंपास है
कंपास बनाया था और जिससे दिशा दिखाई देता था। जब गूगल मैप्स वगैरह या कुछ नहीं होता था इस तरह के मैप्स, तो हम लोग जो पता करते थे वो कैसे पता करते थे, वो हम लोग पता करते थे मैग्नेटिक गोल कल गोल एक कंपास होता था जिसका हेड पार्ट ऑलवेज नॉर्थ में आगे रुकता था। तो मैग्नेटिक कंपास की मदद से चाइना पहली बार बनाया। उसके बाद मैग्नेटिक कंपास ये हो गया। तीसरा जो है रिसर्च, हमारे बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था किसको, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए रिसर्च किया था। तो तीसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेट वर्कड इन मैग्नेट मैग्नेट हेल्प्ड इन रिसर्च ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक ELECTRIC, इलेक्ट्रिक मोटर बाई, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं, माइकल फैराडे इसका नाम है, माइकल फैराडे, आप लोग भी नाम सुने होंगे, FARADE फैराडे। लिखने में बीच में कुछ दिक्कत है तो हम थोड़ा दूर करके लिख दे रहे हैं, आप एक साथ लिख लीजिएगा, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के बाद जो मतलब कह सकते हैं कि एक वो भूचाल आना या मैग्नेट की दुनिया में जो है एक रेवोल्यूशन आ जाना। तो मैग्नेट की दुनिया में जो रेवोल्यूशन आया इसके बाद चौथा पॉइंट का जो जिसको लेके हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर हुआ, ये जो रिसर्च स्टार्ट हुआ था अराउंड 1750 के बाद का रिसर्च स्टार्ट हुआ था। और चौथे पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमारा है कि अराउंड या इन 1820 AD, 1820 AD में HC ओयरस्टेड, हंस क्रिस्टन ओयरस्टेड, OERESTED ओयरस्टेड, एक साथ आप लिख लीजिएगा, हंस क्रिस्टन ओयरस्टेड HC ओयरस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन हिज लैब। और आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, HC ओयरस्टेड ने एक्चुअली गलती से एक्सपेरिमेंट करते, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अपने लैब में, तो गलती से उनसे क्या हो गया था, डिस्कवर हो गया था। फिर आप उन्होंने क्या किया, काफ़ी परेशान हुआ कि ये हुआ कैसे। तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री हम आपको बता देते हैं। उन्होंने क्या किया, एक दिन लैब में अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनका जो सोल्डिंग वायर था, वायर को उन्होंने क्या किया, एक टेबल से गुजार दिया। उस टेबल पे जो है एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन, जैसे कि यहाँ भी एक बोर्ड है आप देख सकते हैं, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया वैसे ही उनका वायर जो जहाँ से गुजर रहा था उसका मैग्नेटिक जो कंपास था उसका नीडल डिफ्लेक्ट करने लगा। तो नीडल जो डिफ्लेक्ट किया तो उन्होंने पता लगाया कि नीडल तो सिर्फ दो वजह से डिफ्लेक्ट कर सकता है, कि मैग्नेटिक मटेरियल उसके पास रख दें या अदर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो फिर रिसर्च करते 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 काफ़ी उन्होंने परेशान, काफ़ी उनको परेशानी हुई। फिर रिसर्च करते करते उनके पीछे उन्होंने फाइनली डिस्कवर कर लिया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी जगह से फ्लो होता है तो अपने आसपास क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बाद इससे जस्ट पहले जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा माइकल फैराडे के बारे में, तो माइकल फैराडे ने क्या किया था, रिसर्च कर रहा था मोटर के बारे में, बट जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया, माइकल फैराडे का जो रिसर्च है वो कामयाब हुआ। तो 1821 में क्या हो गया, फिर फाइनली फाइनली 1821 में क्या हो गया, 1821 में माइकल फैराडे या फैराडे, एम फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से आज हमारी जो ज़िंदगी है काफ़ी आसान, काफ़ी कह सकते हैं सुविधाएं इसमें आ गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैन, फैन जब घूमता है तब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से घूमता है। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर घूमता है इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से। मिक्सर ग्राइंडर गाड़ियों का जो व्हील घूमता है वो मोटर की वजह से। तो काफ़ी ज़िंदगी में हमारी जो आसानी आई है वो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से आई है। और इलेक्ट्रिक मोटर का डिस्कवर करने वाला कौन था,
माइकल फैराडे था। तो ये थोड़ी सी क्या थी, हिस्ट्री थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक्स पे एक एक करके कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हम लोग को क्या क्या आज पढ़ना है और कहाँ से आगे बढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक देखते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, अभी जस्ट आप लोगों से थोड़ा शेयर किया गया होगा कि ओयरस्टेड ने क्या किया था, पता लगा लिया था कि जब भी क्या होता है, व्हेन एवर अ करंट फ्लोज इट गिव्स राइज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी जब भी करंट फ्लो करता है तो अपने अराउंड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करता है जिसका शेप अलग अलग होगा, उसको आगे देखना है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के जेनरेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट किया। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको भी हम लोग को देखना है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये आ जाता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, तो व्हेनेवर करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड, टू अ मैग्नेटिक फील्ड, FIELD, टू ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस प्रोसेस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक तो ये जो हमारा प्रोसेस हुआ ये हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें अट्रैक्शन आएगा, या अगर कोई मैग्नेट के एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट रखते हैं तो उसमें क्या होता है, दो तरह के हम लोग को फोर्सेस दिखते हैं मैग्नेट मैग्नेट के बीच में, या आइदर अट्रैक्शन दिखता है या रिपल्सन दिखता है। तो अगर एक मैग्नेट को उसके नज़दीक हम ले जाएँ, लेट अस सपोज कि ये मेरा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पाइप है जिससे वायर गया हुआ है, हम अगर क्या करें एक मैग्नेटिक कंपास को उस पाइप पे सटा दें तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्ट करते ही हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक कंपास का जो मैग्नेटिक क्या होता है, नीडल होता है वो मैग्नेट का बना हुआ होता है। तो उसको जब कोई डिस्टर्ब किया, इसका मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला मैग्नेटिक फील्ड ही था, या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, बट वायर तो हमारा किसका, जनरली कॉपर का या एल्यूमिनियम का होता है, दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट कर रहा है जिसकी वजह से अदर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप जितना जो भी है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दें। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, अ फील्ड, फील्ड आप लोग क्रिकेट फुटबॉल वगैरह देखते होंगे तो उसका भी फील्ड होता है, सेम तरीके से मैग्नेट का भी क्या होता है, फील्ड होता है। अ फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड, या इसको हम लोग और तरह से लिख सकते हैं एन एरिया, तो उस डेफिनेशन को भी हम लिख देंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर सेकेंडरी जो और डेफिनेशन होगा उसको। अ फील्ड अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यहाँ जो फील्ड है, अब फील्ड के जगह हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करके जो है फील्ड के जगह एरिया भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला पार्ट,
ऊपर वाला जो फील्ड है इसको फील्ड की जगह हम लोग एरिया भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एफ है, फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ये बनता कैसे है, किस तरह से होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारा कुछ देखना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग मान लें कि एक जगह जो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट अक्सर आप लोग जानते होंगे इंडिया का काफ़ी फेमस गेम है, तो क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं, जहाँ पे खेलते हैं बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, तो उसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक बॉलर का जो बॉल आता है उस बैट्समैन को हिट करके भेजना होता है, उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, और उसी को हम फील्ड कहते हैं, और जहाँ पे लोग बैठे हुए रहते हैं उसको स्टेडियम कहते हैं। तो स्टेडियम अलग चीज़ है, फील्ड यानी जहाँ तक फोर्स काम करना होता है, वो जो एरिया होता है ओवल टाइप का या सर्कुलर टाइप का या जैसा भी हो स्क्वायर टाइप का, वो एरिया ही क्या कहलाता है, जहाँ तक मैग्नेट का फोर्स काम कर रहा है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कह सकते हैं, एक मैग्नेट के अराउंड हमें अभी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, उसमें देखेंगे यानी जहाँ तक मैग्नेट का फोर्स काम करेगा उसके अराउंड, वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया जो है वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। जिसका फोर्स जितना दूर तक काम करेगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। हर मैग्नेट का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ ले जाएंगे तो आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन दिखेगा, वो हमको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक, ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इनके बारे में अभी हम लोग को जानना है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो टॉपिक है हमारा ये है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोग देख लेंगे अभी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए एक बार मैग्नेट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक बार मैग्नेट को ले लेते हैं, जो बार मैग्नेट होगा ये लेट अस सपोज ये हमारा बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल्स होते हैं आप लोगों को पता है, दो पोल्स में से एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल ले सकते हैं, तो लेट अस सपोज ये हमारा साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये हो गया। तो ये जो हमारा मैग्नेट है इस मैग्नेट के अराउंड क्या होगा कि एक कोई फील्ड जेनरेट होगा। फील्ड जेनरेट कैसे होगा, किस हिसाब से हम लोग इस फील्ड को लेंगे, ये अभी हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। तो इस मैग्नेट को हम लोग लेते हैं, ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है बार मैग्नेट, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए बार मैग्नेट, इसको हम लोग MAGNET मैग्नेट, एक बार मैग्नेट से। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक कार्डबोर्ड लेंगे, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, कार्डबोर्ड यानी ऐसा कार्डबोर्ड जो हमारा किसका हो, जो हमारा लकड़ी का हो, यानी कि उसमें कोई जो है क्या नहीं हो, उसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल ना हो। इस कार्डबोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कुछ आयरन नेल्स को छिड़क देंगे, कुछ आयरन नेल्स को क्या करना है इस कार्डबोर्ड पे, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड इस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ आयरन नेल्स को छिड़केंगे, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड यानी जो कार्टून का या पेपर का होता है स्मूथ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए स्मूथ, जिसमें फ्रिक्शन काफ़ी कम होना चाहिए, ये कह सकते हैं। इस पे कुछ आयरन के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं छिड़क देते हैं, कुछ आयरन के टुकड़े को हम लोग छिड़क देते हैं इस पे, आयरन नेल्स छोटी छोटी काठियाँ या कुछ आयरन के पीसेस को, स्मॉल आयरन पीसेस, इसको हम लोग छिड़क देते हैं, स्मॉल आयरन पीसेस, ये जो है बीच में इसमें क्या है, यह है स्मॉल आयरन पीसेस, स्मॉल आयरन पीसेस, स्मॉल आयरन पीसेस हैं। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, ये जो स्मॉल आयरन पीसेस ले लिए हम लोग, अगला स्टेप आपको करना है कि जो हमारा क्या है फील्ड है उसमें एक मैग्नेट को प्लेस करेंगे। इस फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लोग एक मैग्नेट को प्लेस करेंगे। तो अगला स्टेप हम लोग ले लेते हैं, करते हैं एक मैग्नेट को प्लेस, यानी सेम फील्ड हम लोग को लेना है और उसमें आयरन नेल्स जो थे उन आयरन नेल्स को रखे रहना है, हमारा एक फील्ड हो गया,
अब जो आयरन नेल्स थे वो रहेंगे ही, और इसी के साथ साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट का प्लेसमेंट करेंगे इसमें। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट का प्लेसमेंट करेंगे। तो कर लेते हैं एक बार मैग्नेट का प्लेसमेंट, एक बार मैग्नेट का इसमें प्लेसमेंट कर लेते हैं। सपोज ये हमारा बार मैग्नेट है, और इसमें दो पोल्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा साउथ पोल, एक हो जाएगा साउथ पोल, एक हो जाएगा नॉर्थ पोल। साउथ पोल नॉर्थ पोल ले लिया गया। अब ये जो हमारा आयरन नेल्स था इसमें, तो ये आयरन नेल्स क्या करेगा, कुछ अलाइन हो जाएगा, कुछ तरह से वो पैटर्न में आ जाएगा। और वो पैटर्न किस तरह का होगा, ये आयरन नेल्स का जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। आयरन नेल्स का जो पैटर्न बनेगा ये कुछ इस तरह पैटर्न बनेगा। जो आयरन नेल्स थे रखे हुए, वो आयरन नेल्स क्या होंगे, कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। तो ये जो अलाइन होंगे इनका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन जो होगा अलाइन होने का, ये हम लोग किस तरह होगा प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरह होगा, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट होगा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होगा, और ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा, तो इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ होगा। ये ध्यान रखिए, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और क्यों होता है, कैसे होता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया। और ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका लिखा हुआ है हेडिंग में, तो इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोग को क्या होगा, इसके प्रॉपर्टीज को भी देखना पड़ेगा। तो अब देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हुए कहाँ तक होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ये जो आयरन था जहाँ तक फोर्स काम करेगा वहीं तक इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, जनरेशन होगा। तो ये था हमारा किस क्या, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है ये देखिए। अब डिफाइन करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होता है। इस वीडियो को आप पॉज करके जो डायग्राम है इन दोनों को आप उतार सकते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आइए कर लेते हैं इसको डिफाइन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या हो जाएगा, द लाइंस फॉर्म्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, क्या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है? जी हाँ बिल्कुल, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को अभी देखना है। तो अब हम लोग इस टॉपिक के बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा नंबर वन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सक करते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर नेवर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब यह है कि जो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, एक अगर यहाँ बना तो दूसरा उससे ऊपर बनेगा, और ऊपर ऊपर ही मूव करता जाएगा, कहीं पे भी एक जगह मिलेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स मतलब शुरू होना, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड ट्रेवल्स टू साउथ पोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये कहना चाहता है ये पॉइंट। दो पॉइंट हुए, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मूव करते हैं अगले पेज पे। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब अगर तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स, दूसरा पॉइंट क्या ही थोड़ा सा अलग है, ट्रेवल्स आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से अगर आप एक चीज़ देखिएगा, अगला प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं हमारे, ये अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ से क्या करता है, ये ट्रैवल करता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में जाता है ओरिजिनेट होता हुआ, और साउथ से फिर नॉर्थ में। तो देखिए एक बंद घेरा की तरह बन गया। तो जो बंद घेरा होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लोज क्लोज लूप, लूप मतलब घेरा, क्लोज लूप। अगला यही हो जाएगा प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, यानी वो क्या करता है, एक सर्कल एक इलिप्टिकल की तरह बन जाता है। तो अगला हो जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तीसरा हुआ शायद, तो ये चौथा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर चौथा हुआ तो ये पांचवा कर दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। आपको समझाया गया कि लूप क्या होता है, इस तरह से बंद को एक घेरा, ये हो गया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए, पांचवा, ये चौथा हुआ तो पांचवा, अगर पांचवा होता छठा, फिफ्थ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं पोल्स के नज़दीक उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, नॉर्थ साउथ, यानी यहाँ से ओरिजिनेट हुआ यहाँ से। तो देखिए पोल्स में वो ज़्यादा डेंस्ड होते हैं और बाकी दूर जगह क्या होता है, वो दूर होता है, इसलिए इसको कह सकते हैं द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स इज मोर या हाई, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट पोल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्या होता है, जो लेट अस सपोज कि ये जो मेरा पेन है एक मैग्नेट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा ये पोल्स, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल दोनों के नज़दीक ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो पोल्स में ज़्यादा होता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका और सॉल्व हो गया कि जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल्स पे होता है, और कम कहाँ होता है, ये मिडिल पार्ट पे कम होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास और उसमें किस तरह से वो बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये पेज आपके सामने इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक कंपास का जो है डायग्राम है। मैग्नेटिक कंपास को अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग देखे होंगे कि मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, ये इस तरह बना हुआ होता है। जो बॉडी बनी हुई थी है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, और जो यहाँ नीडल होता है ना, ये एक्चुअली में एक मैग्नेट ही होता है जिसकी मदद से हम डायरेक्शन देखते हैं। और जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका जो काटा है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर रुकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये नॉर्थ साउथ लिखा हुआ रहेगा इस पे डिपेंड करेगा, नहीं, अर्थ के क्या होता है मैग्नेटिक पोल्स पे वो डिपेंड करता है। इस वजह से वो जो रेड कलर का पार्ट होता है ये कहाँ जाके रुकेगा, जो रेड कलर का पार्ट होता है वो हमेशा नॉर्थ में जाके रुकता है, और जो क्या होता है ऐसे इस नॉन कलर्ड पार्ट होता है वो हमेशा साउथ में जाके रुकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास को डिफाइन कर लेते हैं, मैग्नेटिक कंपास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
एन इंस्ट्रूमेंट या अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड, टू फाइंड, टू फाइंड डायरेक्शन ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास, अ मैग्नेटिक कंपास, कंपास ये हो गया। लेकिन क्या इतना लिखना काफ़ी है? नहीं, इसमें कुछ और चीज़ें हम लोग को जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रहे, आप क्लास 10th में आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे द बॉडी ऑफ मैग्नेटिक कंपास, या तो इसमें अब हम लोग को लिखना है कि जो बॉडी होता है मैग्नेटिक कंपास का वो क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। तो इसमें द बॉडी ऑफ मैग्नेटिक कंपास, द बॉडी ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें वुड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, या कुछ और भी चीज़ हो सकता है जो मैग्नेट, चार चीज़ें ऐसी है जिसको मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट और सम टाइप ऑफ स्टील। तो इन चारों को छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, जो है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नीडल होता है, नीडल किसका बना हुआ होता है, जो नीडल आपको दिख रहा है ये हमारा मैग्नेट का बना होता है, क्या किसका होता है, मैग्नेट का, नीडल शुड बी मेड अप ऑफ मैग्नेट। इस तरह हो गया ये मैग्नेटिक कंपास। अब लास्ट टॉपिक एक बच गया थोड़ा सा, जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उसके बाद जो है एक 1.1 कह सकते हैं, या चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 2.1 ख़त्म होगा, उसके बाद अगला पार्ट स्टार्ट होगा। तो आपके सामने ये मैग्नेटिक कंपास है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं क्लियरली, मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है और किस तरह ये हमें दिखता है। तो ये जो नीडल होगा ना, ये हमेशा ये वाला नॉर्थ नहीं, जो ओरिजिनल अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उस तरफ जाके रुकेगा, और उसको हमको कंपास को उस तरह से घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरफ ऐसे हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, उसके बाद इधर ऑलवेज ये हो जाएगा ईस्ट, और इधर हो जाता है वेस्ट। इस तरह से हम लोग डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली में, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक इमेजिनरी मैग्नेट होता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, अर्थ पे जो रेडिएशंस वगैरह आता है उनको क्या कर देता है, वो इमिट कर देता है बाहर की तरफ, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अर्थ का जो मैग्नेट होता है, इमेजिनरी मैग्नेट, इमेजिनरी मैग्नेट होता है, जिसके वजह से अर्थ के ऊपर क्या बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, जिनसे क्या होता है, अर्थ जो है हमारा वो ख़तरनाक रेडिएशन से कह सकते हैं कि वो क्या रहता है, सेफ रहता है। और ये ख़तरनाक रेडिएशन आते कहाँ से, आउटर स्पेस से, सन वगैरह से आते हैं। इमेजिनरी मैग्नेट होता है जिसका साइज क्या होता है, इस मैग्नेट का साइज जो होता है 1/5 ऑफ द डायमीटर। देखिए हर एक पॉइंट जो हम अभी बता रहे हैं इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इमेजिनरी मैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है अर्थ के अंदर, इमेजिनरी मैग्नेट। दूसरा, व्हाट इज द साइज ऑफ द मैग्नेट, तो 1/5 ऑफ द डायमीटर, 1/5 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, 1/5 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो डायमीटर होता है उसका 1/5 साइज होता है। इसी के साथ साथ कुछ और सवाल आते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो तीसरा सवाल यहाँ से उठता है, तीसरी चीज़ के ये जो एंगल, यहाँ से अर्थ का एक्सिस से जो एंगल, ये थोड़ा सा मैग्नेट झुका हुआ है, झुका हुआ है तो कितना डिग्री, ये आपको क्वेश्चन आएगा। तो 11 डिग्री टू 15 डिग्री, आपका जो बुक एस चांद दिनेश वगैरह कुछ बुक्स है जिसमें हम लोग, अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी वगैरह में भी, तो उसमें जो है मेनली 15 डिग्री दिया हुआ है। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर रेंज आ जाए तो 11 टू 15 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ घूमता है तो उसका इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड भी घूमता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, 11 टू 15 डिग्री, जो आपको बुक्स में मेनली 15 डिग्री मिलेगा, ये 15 डिग्री झुका हुआ है। तीसरा सवाल यहाँ से आता है। चौथा सवाल जो आता है, जो जियोग्राफिक क्या होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं, ये अर्थ का क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है ये। तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है उसके तरफ मैग्नेट का एक्चुअली में साउथ पोल होता है, और जो जियोग्राफिक साउथ पोल होता है उसके तरफ मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। मतलब मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं
वो जियोग्राफिक पोल्स का उल्टा होता है। ये हो गया चार सवाल जो यहाँ से आते हैं। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, जो इमेजिनरी मैग्नेट होता है जिसका साइज 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ होता है, यहाँ से उसके बाद 11 to 15 डिग्री ये झुका हुआ होता है एक्सिस से, और लास्ट सवाल कि इसके पोल्स कैसे होते हैं, इसके पोल्स क्या होते हैं, जो अर्थ का जियोग्राफिक पोल है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से डिस्कवर किया गया था। तो उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर फर्दर टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इन 1820, कुछ बुक्स में आपको 1819 भी देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम बुक्स में जो वैलिड बुक्स वगैरह है उसमें ज़्यादातर 1820 ही देखने को मिले। इन 1820 एच सी ओयरस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको अदर लैंग्वेजेस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोले या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोले, दोनों सेम चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, इनका एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने क्या किया था, अपने लैब में कुछ एक टेबल था, और उस टेबल में जो है उनका एक क्या रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं, एक सर्किट है हमारा, इसको जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिखाया था, एक सर्किट जिसमें नीचे हम लोग बैटरी लगा देते हैं। तो कुछ थोड़ा ब्रेक करके बैटरी इधर कहीं पे हम लोग की लगा देते हैं। इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, वी, और ये जो वायर लेते हैं हम लोग, इस वायर को हम लोग लिख लेते हैं, ये वायर हमारा होगा कॉपर वायर, और यहाँ पे स्विच ले लेते हैं एक, के को के से डिनोट करते हैं या एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी जो की है हमारा ओपन रखते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग की को ओपन रखते हैं। और एक मैग्नेटिक कंपास ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास में नीडल होता है हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक कंपास का नीडल बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से एक नीडल बना लिया गया, थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। एक नीडल है जिसका हेड पार्ट किसको दिखाता है, नॉर्थ को दिखाता है, और जिसका टेल पार्ट किसको दिखाता है, साउथ को दिखाता है। नीडल है, इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये नीडल हमारा जैसा था वैसा ही है। और अगले स्टेप पे क्या हो जाता है, अगले स्टेप पे जो हम लोग देखते हैं, तो अगले स्टेप पे उन्होंने देखा जैसे ही करंट का स्विच क्या होता है, ऑन होता है, यानी कि जैसे ही क्या होता है, इस सर्किट में करंट का फ्लो होता है, सर्किट में जैसे ही करंट का फ्लो होता है, तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ की है, की को आपका क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, की को क्लोज कर दिया गया। अब करंट क्या होगा, फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट को क्या करते हैं, फ्लो करवा देते हैं। करंट जैसे ही इसमें फ्लो होगा, तो जो मैग्नेटिक कंपास था हमारा, मैग्नेटिक कंपास का नीडल क्या करने लगेगा, ये जो मैग्नेटिक कंपास था, इस मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था वो नीडल अब क्या करने लगेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा, मतलब जो नीडल था वो क्या करने लगा, यहाँ से ये क्या हो गया, जो इधर था नीडल, वो नीडल अब क्या हो गया, वहाँ नहीं रह के बल्कि घूम के किसी और तरफ हो गया। तो नीडल जो मूव हुआ हमारा, हम लोग जानते हैं कि नीडल हमारा जो था वो किसका बना हुआ था,
नीडल हमारा बना हुआ था, ये जो वायर था इसको कॉपर वायर कर लेते हैं, इस वायर को क्या ले लेते हैं, इस वायर को हम लोग ले लेते हैं कॉपर वायर। क्यों कॉपर वायर लिया गया? कॉपर वायर इसलिए लिया गया ताकि जो कंपास है उसका अगर मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, आयरन वगैरह कुछ लेंगे, तो कंपास को क्या करेगा, वो इफेक्ट कर देगा। इसलिए हम लोग ऐसा वायर लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, यानी मैग्नेटिक मटेरियल ना हो, तो ऐसे वायर को ले लेते हैं। इसमें क्या हो गया, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, जैसे ही करंट क्या हो गया, फ्लो हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे, या तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ या मैग्नेटिक मटेरियल कुछ वहाँ पे रखा गया, बट मैटेरियल तो कुछ नहीं रखा गया, जो चीज़ें थी वैसे ही थी। तो ये जो नीडल का डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन हुआ, यही प्रूव कर दिया कि जब भी करंट फ्लो होता है वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसी के साथ साथ जैसे ही स्विच ऑफ किया गया तो फिर नीडल फिर क्या हो गया, घूम के अपनी जगह आ गया। जैसे ही स्विच ऑन किया गया फिर से नीडल डिफ्लेक्ट करने लगा। तो ये जो नीडल का डिफ्लेक्शन दिखा स्विच ऑन करने और ऑफ करने से, तो हमें पता चला, यानी ओयरस्टेड ने क्या दिया, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव कर दिया कि हाँ, जब भी करंट फ्लो होता है वो अपने आसपास क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करता है, जिसके वजह से उसके आसपास रखा हुआ जितना सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन उसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, प्रूव किया। और जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है वो आपको पहले भी बताया गया कि किसका बना हुआ होता है, ये मैग्नेट का बना हुआ होता है। और मैग्नेट को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, या तो मैग्नेटिक मटेरियल या अदर मैग्नेटिक फील्ड, या अदर मैग्नेट, मैग्नेट का ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस तरह से प्रूव हुआ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं द डिफ्लेक्शन द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल शोज दियर एग्जिस्ट अनदर मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसी तरह से अनदर मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस दिखाया, एग्जिस्टेंस दिखाया, तो प्रूफ हो गया कि हमारा ओयरस्टेड ने क्या किया, इस तरह से प्रूफ कर दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे, इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में जो भी दिखा इसको हम लोग लिख लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या दिखा, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास कंपास प्रूव दैट व्हेन एवर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इट ऑलवेज गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड, टू ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, लेकिन ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और क्लास 10th में आपको किस तरह का पढ़ना है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न होगा ये होगा हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये किस लॉ पे काम करेगा, तो सबसे पहले हम लोग लॉ को देखेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग इस रूल को पढ़ेंगे कि
कि किस तरह से स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट यानी ये पेन जैसा आप देख सकते हैं कि ऐसा अगर पेन है तो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये है हमारा, इस पर अगर करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हमको देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हो जाएगा सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप। सर्कुलर वायर कैसा होता है, ऐसा होता है अगर ऐसा गोल कर दें एक मैग्नेटिक, किसको, मैग्नेटिक पाथ को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को अगर हम ऐसा गोल कर दें, करंट कैरिंग कंडक्टर गोल हो जाए, तो उस गोल कंडक्टर में किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो देखना है आपको। और तीसरा जो आपके क्लास 10th में है, जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड कैसा होता है, स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे, स्प्रिंग जैसा होता है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जो है एक कंडक्टर बना देते हैं, मतलब कि इसमें घूम घूम के क्या होता है, करंट पास करता है। तो जब जब क्या हो जाएगा कि ऐसा सॉलिनॉइड में जब करंट क्या करेगा, इससे घूम घूम के पास करेगा, इधर से अगर करंट इधर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस हिसाब से जब क्या होगा, करंट को हम रोटेट कराएंगे, यानी सॉलिनॉइड ऐसा होता है स्प्रिंग की तरह, तब उस वक्त जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, इन सबको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनमें से नंबर वन जो हमारा होगा वो होगा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो किस रूल पे काम करता है। तो नंबर वन को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल जिसको कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ऐसे करके हम लोग अगर क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करें, अगर किसको फोल्ड करेंगे, अगर फिंगर्स को हम लोग फोल्ड करते हैं, राइट हैंड आपको लेना है, ध्यान रखना है, फिंगर्स को अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये हमारा दिखाएगा करंट का डायरेक्शन, और जिधर फिंगर घूम रहा है ये दिखाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, अभी उसको देखेंगे, तो आइए नेक्स्ट पेज में उसको देख लेते हैं। तो मैक्सवेल का जो क्या होता है, कॉर्क स्क्रू रूल होता है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, ये दोनों एक ही रूल है जो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है इसको दिखाने में हेल्प करेगा। तो राइट हैंड थंब रूल की अगर हम लोग बात करें, तो जस्ट आपको दिखाया गया कि अगर हम क्या करें, अपने राइट हैंड को ऐसे लें, और राइट हैंड को लेने के बाद थंब अगर हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। और उसके बाद अगर थंब का डायरेक्शन नीचे हो तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट करेगा, ये इस तरह से, यानी पहले इस तरह से था, ये अगर थंब हमारा ऊपर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, अगर थंब नीचे है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, तो गोल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो थंब रूल हमारा ये कहता है। उसके बाद कॉर्क स्क्रू रूल की बात अगर करें, तो कॉर्क देखे होंगे आप लोग, कॉर्क यानी एक लकड़ी का टुकड़ा, उसमें जो स्क्रू वगैरह लगाते हैं वो स्क्रू कैसा होता है, वो स्क्रू कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम लोग एक ऐसे लगा दें और इसके ऊपर ऐसे रोटेट कर दें, ये कुछ इस तरह से स्क्रू होता है। वो स्क्रू जैसे ही घूमेगा, घूमते हुए क्या होगा, कॉर्क के अंदर जाएगा, और स्क्रू को अगर रोटेट कराएं तो वो कॉर्क से बाहर आ जाएगा। कॉर्क स्क्रू आप लोग देखे होंगे, जिसको नट भी कहते हैं आम भाषा में। तो ये रूल हमको बताएगा कि जब, देखिए जब क्या हो जाएगा, हम लोग अगर राइट हैंड की बात करें, तो जैसे ही हम लोग का डायरेक्शन थंब का क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा, वैसे ही हमारा क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या कहता है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, कि अगर आपका स्क्रू क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको नीचे ले जाने के लिए स्क्रू को क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा, 12 1 2 3 ऐसे घुमाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि अगर स्क्रू को आपको क्या करना है, कॉर्क से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, जो कि हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रूल है हमारा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इसके लिए एक हम लोग डायग्राम देखते हैं, जिसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे और उस डायग्राम में भी इस चीज़ को समझेंगे। तो आप अभी अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि जब आपका राइट हैंड का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन इस तरह से आप देते हैं राइट हैंड में, तो थंब का डायरेक्शन अगर आपका ऊपर की तरफ है, तो ये देखिए फिंगर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड है, यानी 10 9 8 7 ऐसे, अगर 10 है तो 9 है, उसके बाद फिर 8 है, फिर 7 है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपका क्या हो जाएगा, थंब का डायरेक्शन आपका ये कहता है कि थंब का डायरेक्शन अगर क्या दिखा रहा है, थंब का डायरेक्शन अगर डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, तो आपको फिंगर का जो डायरेक्शन है, ये फिंगर का डायरेक्शन आपका क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल का एक इमेज जो आपको दिखा रहा है। तो जैसे ही हम थंब क्या करेंगे, नीचे करेंगे, तो थंब नीचे करेंगे तो फिंगर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो फिंगर का डायरेक्शन अगर ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका जो है, आपका क्या हो जाएगा, थंब का डायरेक्शन अगर ऊपर, तो आपका बाकी मैग्नेटिक फील्ड वाले फिंगर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, अगर थंब का डायरेक्शन नीचे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका किसके लिए,
ये एक राइट हैंड थंब रूल के लिए एक इमेज है। इसके बाद हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल का भी एक इमेज देख लेते हैं। अभी आपके सामने जो है ये है कॉर्क स्क्रू रूल, इसमें आप देख सकते हैं इसको कहते हैं स्क्रू, आप लोग जानते होंगे बेहतर, स्क्रू देखे होंगे आप लोग। तो स्क्रू को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नीचे की तरफ हम लोग को ले जाना रहे, नीचे की तरफ ले जाना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू को इस तरफ रोटेट करते हैं इस तरह। यानी बोतल का ढक्कन भी आप लोग बोतल तो यूज़ करते ही होंगे पानी वगैरह का, जब बोतल का ढक्कन लगाना होता है, कॉर्क हम लोग को मान लेते हैं ये कॉर्क है हमारा, और कॉर्क को अगर बोतल में हमको लगाना रहे तो हम लोग किस तरफ रोटेट करते हैं, इधर रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते हैं तो ढक्कन नीचे जाता है। इसी हिसाब से सेम टू सेम आपका यहाँ भी हमारा क्या है, सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर आपको स्क्रू को कॉर्क के अंदर क्या करना है, फिट करना है, तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा यानी क्लॉकवाइज, और जब आपको बाहर निकालना रहे तो फिर आप बॉटल का ढक्कन जब लूज़ करते हैं तो कैसे घुमाते हैं हम लोग, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर ले जाना रहे तो एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे ले जाना रहे तो ये आपका कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये कहता है हमारा कॉर्क स्क्रू रूल और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये भी मैक्सवेल का ही है, ठीक है। तो इतना हमें आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद तो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो इसमें अगर हम लोग देखें, आप हेडिंग चाहें तो उतार सकते हैं, नंबर वन हेडिंग होगा ये। और इसमें अगर आप देखिएगा तो एक मैंने फील्ड लिया है कुछ कार्डबोर्ड के तरह कह सकते हैं, तो आपका राइट हैंड थंब रूल से आप यहाँ पता लगा सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या देते हैं, नीचे की तरफ देते हैं। आई सिंबल है करंट का, आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर है आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, या हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 फिजिक्स का प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे फुल एक ही वीडियो में पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझाया गया है, जो आप बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, या इस वीडियो के बाद भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन हम किधर देते हैं, डाउनवर्ड देते हैं, यानी करंट का डायरेक्शन हम किधर दे रहे हैं, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड दे रहे हैं। तो आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर आप डाउनवर्ड आपको देना है तो आपको किस तरफ रोटेट करना पड़ेगा, इस हिसाब से इस तरफ रोटेट करना पड़ेगा। तो मतलब कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ये कुछ इसी तरह सर्कुलर बनेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से बनेगा, इस हिसाब से सर्कुलर क्या बनेगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और गोल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इधर का डायरेक्शन इधर होगा और इधर का डायरेक्शन इधर होगा, इस हिसाब से मैग्नेटिक। उसके साथ साथ सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग ऊपर नहीं देके डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दे दें, नीचे दे दें, डायरेक्शन ऑफ करंट अभी कहाँ था, नीचे, नीचे था, तो नीचे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। किसके वजह से, राइट हैंड थंब रूल से आप पता लगा सकते हैं कि वन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ डाउनवर्ड, देन डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने भी बनेंगे इसमें तो वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज। और सिमिलरली अगर हम लोग बात कर लें, अगर अपवर्ड हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड दे, तो राइट हैंड थंब रूल फिर क्या कहता है, आपका फिंगर इधर फोल्ड होगा, यानी जो ये तीर दिखा रहा है इस फिगर में, ये हमारा तीर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर हुआ तो तीर के डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा, और इस हिसाब से ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पैटर्न्स हम बना के आपको दिखा देते हैं कि कैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। ये जो एक गोल बना है ये ठीक दूसरा गोल इसी तरह बनेगा, तीसरा, इसको दूर दूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है हम लोग जानते हैं, ये यहाँ बनेगा दूर, उसके बाद इनका डायरेक्शन कैसा होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर रहा तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ दिखाते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ, यहाँ दिखा सकते हैं, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर ऐसे, तो एक और हो जाएगा लाइन,
तो किसी भी पॉइंट पे जो है हम लोग जो है इंटेंसिटी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको आप P से टेस्ला कह सकते हैं, टेस्ला, टेस्ला जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या किया था, इन्वेंशन किया था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में टेस्ला ने दिया था। तो यहाँ जो है करंट से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है, और CGS यूनिट है वेबर, WEBER, WEBER, ये क्या है, CGS यूनिट, ठीक है, वेबर और एक टेस्ला, TESLA, टेस्ला, और इसका पूरा नाम है निकोलो टेस्ला, निकोलो टेस्ला। तो टेस्ला याद रखिए और वेबर याद रखिए, बाकी चीज़ें। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सिमिलरली हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, दूसरा नंबर है ये। तो सर्कुलर लूप कैसा होता है, सर्कुलर लूप की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह का होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैटरी वगैरह को कनेक्ट कर देंगे, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है ये जो सर्कुलर लूप है हमारा, इसमें भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ही हेल्प करेगा हम लोग को लेने के लिए। तो ये हो जाएगा इस तरह से, अगर देखेंगे करंट का डायरेक्शन अगर इधर से इधर है, तो हम लोग जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन जब ऊपर की तरफ रहता है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जब करंट क्या हो जाएगा इधर से घूम के इधर नीचे जाएगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नीचे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे, तो राइट हैंड थंब रूल से अब क्या होगा, सर्कुलर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, लेकिन इस बार इधर से बाहर की तरफ निकलेगा। तो एक बार इधर से बाहर की तरफ, एक बार इधर से इधर बाहर की तरफ, और बीच में क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ की इंटेंसिटी इक्वल काम करेगी, तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह बीच में निकल जाएगा, बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इस तरह से। अब ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर, करंट इधर से आ जाएगा, ये बैटरी है भी नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ बीच में एक आध की वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर बना, ये दोनों ही पहला वाला दूसरा वाला, इसकी स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करेगी, इसको लिखेंगे हम लोग अब आगे। तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो स्ट्रेंथ जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट आप दे रहे हैं इसमें, कितना अमाउंट ऑफ करंट आप दे रहे हैं। तो नंबर वन हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड M.F, इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डेट इज जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, बी से डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, फैक्टर बी इन टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई से क्या होता है ये करंट को डिनोट करते हैं, मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, आप लोग जानते हैं पढ़े हुए होंगे क्लास 8 के मैथ्स में, तो जितना अमाउंट ऑफ करंट हम देंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना कम अमाउंट ऑफ करंट देंगे उतना ही वीकर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कि अगर दूरी बढ़ जाए, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हमको यहाँ पता करना रहे, एक बार यहाँ पता करना रहे, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, मैग्नेटिक फोर्स आप लोग पढ़े हैं, या दो मैग्नेट को भी अगर आप पास रख के देखते हैं तो क्या होता है, अगर मैग्नेट नज़दीक रहता है ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, अगर दूर रहता है तो थोड़ा हल्का हल्का अट्रैक्ट करता है, मतलब फोर्स क्या करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो इसको आप उतार लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिस्टेंस, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, टू द डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द वायर, वायर से जितनी दूरी रहेगी उतना ही क्या बनेगा, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड, वायर से जितनी नज़दीकी रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो जो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये अंदर का आयरन पीस आपको अभी नहीं देखना है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो ऊपर से ऐसे दिया गया है, ये आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड स्प्रिंग टाइप का होता है। और सॉलिनॉइड को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्लॉक फेस रूल, क्योंकि पहला जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था और दूसरा जो सर्कुलर लूप था इस तरह का कुछ, तो वो दोनों किस पे काम कर रहा था, कॉर्कस्क्रू रूल पे या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पे। अब ये जो तीसरा हमारा है सॉलिनॉइड वाला, ये वर्क करेगा किस पे, ये क्लॉक फेस रूल पे वर्क करेगा। तो क्लॉक फेस रूल किसको कहते हैं, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल एक्चुअली में क्या होता है, जब आपका सॉलिनॉइड में क्या जाता है, करंट जाता है, तो ये आपको कुछ दिखेगा कि या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, दोनों में से एक तरफ से। यानी कि आप जो क्या कर रहे हैं सॉलिनॉइड बना रहे हैं, तो उस सॉलिनॉइड में आपका क्या हो जाएगा क्लॉक फेस रूल में, तो यानी कि आप करंट या तो ऐसे दे रहे हैं सॉलिनॉइड में, ऐसे आपका करंट जा रहा है ठीक है इस डायरेक्शन से, या फिर ये हो सकता है कि आप जो सॉलिनॉइड बनाए हैं उस सॉलिनॉइड में क्या हो जाएगा, करंट जो है ये उल्टा तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों में से एक तो होगा, या तो क्लॉकवाइज घूमे या फिर क्या हो जाए एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो इस तरह से सॉलिनॉइड का कहता है कि जिधर हमारा क्या हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, अगर आपको क्लॉकवाइज दिख जाए या एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए, तब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है। तो क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, इसलिए साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेट का पता होना जरूरी है, यानी पोलरिटी को बताएगा। तो जब भी आपको ध्यान रखना है क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, क्लॉक फेस रूल ये कहता है जब आपका करंट का डायरेक्शन कैसा है क्लॉकवाइज, देख सकते हैं आप करंट का डायरेक्शन कैसा है इस वाले डायग्राम में, अगर आप देखिएगा तो आपका साफ साफ दिख रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर क्लॉकवाइज आपका करंट का डायरेक्शन हुआ तो आपको साउथ पोल लेना है। क्या लेना है आपको, साउथ पोल लेना है। कौन सा पोल, साउथ पोल लेना है, ये आपको क्लॉक फेस रूल बता रहा है ठीक है। क्यों लेना है, क्योंकि ये रूल है आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपका करंट का डायरेक्शन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे उल्टा घूमता हुआ दिखाई दे, जैसे कि इसमें दिख रहा है उल्टा घूमता हुआ दिखेगा, तो आपको कौन सा वो लेना है फेस, वो जो आपको साइड लेना है वो आपको पोल एज ए नॉर्थ पोल लेना है। कैसा पोल लेना है, ये नॉर्थ पोल। देखिए उल्टा घूम रहा है तो एन, और अगर सीधा घूम रहा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये एस लेना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल कब, जब उल्टा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल कब, जब क्लॉकवाइज ठीक है। ये आपका क्लॉक फेस रूल हो गया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड कैसा होता है, जैसे ही आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ इस तरह का क्या होता है सॉलिनॉइड होता है। सॉलिनॉइड में हम लोग क्या करेंगे, एक सेल को कनेक्ट करेंगे, यहाँ की दे सकते हैं की, के बाद बैटरी को कनेक्ट करेंगे। सेल अगर सिंगल हुआ तो सेल, अगर एक से ज़्यादा हुआ तो इसको बैटरी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। की से के या एस से स्विच भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे करंट को फ्लो करवाएंगे इससे। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं करंट को फ्लो करवाते हैं, तो देखिए अगर करंट फ्लो होता है इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर नेगेटिव डायरेक्शन, तो करंट क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उल्टा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट किस तरफ फ्लो होता है, कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो करता है उसका उल्टा क्या करता है, करंट फ्लो करता है। इस तरह से अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो आपको दिख रहा होगा ऐसे घूम रहा है या ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमेगा इसमें ऊपर जाएगा, इसी तरह से फाइनली इधर डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर क्या है करंट हमारा जो है करंट ये ऐसे जा रहा है, तो ये लगभग से दिख रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। कौन सा जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं इसको कि इस साइड को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं साउथ पोल।
जैसे ही हम इस साइड को साउथ पोल क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आप देखिएगा इस साइड को जैसे ही हम साउथ पोल इमेजिन कर रहे हैं, ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे? अब हम क्यों मान लें, है ना? तो कैसे और क्यों मान लें, इस बात के लिए आप ज़रा गौर कीजिए मेरे तरफ। अभी आप ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे देखिए ये मेरा हैंड का रोटेशन है, ये अभी ऐसे देखिए, ये आपको कैसा लग रहा है, ये फिंगर्स को हम क्या करते हैं, दो फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं। देखिए ये कैसा रोटेट हो रहा है, ये कैसा रोटेट हो रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा कुछ कि ये रोटेट हो रहा है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, यानी करंट हम ऐसे दे रहे हैं, तो करंट हम ऐसे दे रहे हैं दे रहे हैं, और यही स्प्रिंग अगर है तो करंट ऐसे लेते लेते, देखिए मैं हाथ को रोक नहीं रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में चला रहा हूँ, देखिए आपका डायरेक्शन हो गया चेंज। कैसे डायरेक्शन चेंज हुआ, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो फिंगर्स हैं हम ऐसे घुमा रहे हैं, देखिए आपको अभी लग रहा है कि कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई एक तरफ घूम रहा है, तो कोई एक डायरेक्शन में घूम रहा है, इस हाथ को मैं रोक नहीं रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस हाथ को मैं रोक नहीं रहा हूँ, इस हाथ को मैं जैसे चला रहा था वैसे चला रहा था। देखिए अब आपका डायरेक्शन हो गया चेंज, अगर आपका क्लॉकवाइज था तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हमारा इसमें फंक्शनिंग होता है कि अगर आप साउथ पोल से दे रहे हैं करंट, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरह आउटपुट होगा, यानी क्लॉकवाइज अगर आप दे रहे हैं तो वो कैसा देगा, वो दे देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से क्लॉकवाइज दीजिएगा तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा कि जो नॉर्थ पोल एक तरफ दिखेगा एक तरफ साउथ पोल दिखेगा, तो ये पोलैरिटी हो गया। और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर इसमें बनेगा ये कैसे बनेगा, इसको देखना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है ये सॉलिनॉइड के अंदर पैरेलल होगा, सॉलिनॉइड के अंदर कैसा होगा, ये पैरेलल होगा, उसके बाद बाहर आके ये क्या बनेगा, बार मैग्नेट की तरह बनेगा, सिमिलर टू द बार मैग्नेट कह सकते हैं। ये कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। इनसाइड क्या होगा, पैरेलल होगा, और इनसाइड जो पैरेलल होगा तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इनसाइड में हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि सॉलिनॉइड के अंदर जो है इनसाइड कैसा टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है, तो पैरेलल लाइंस बनते हैं, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है कैरेक्टर, कैसा होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो वो हमारा कैसा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब हर जगह एक ही जैसा। अगर कुछ पॉइंट्स की बात हम लोग करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो इस तरह पॉइंट्स जो हमारे हैं, तो पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट ए बी सी और डी, सी और डी सारे पॉइंट्स पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी एक ही स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइंस हमारे कैसे हैं, ये लाइंस हमारे पैरेलल हैं। और इसी से कुछ और जुड़े क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप का, ये तो पैटर्न हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसमें लिखना क्या पड़ेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, पैटर्न भी लिख सकते हैं, पैटर्न प्रोड्यूस बाय अ सॉलिनॉइड, बाय अ सॉलिनॉइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट डेट इज इनसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एंड ट्रेवल्स साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट कैसे ट्रेवल करेगा, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेगा, इस हिसाब से कह सकते हैं। तो अब जब क्या होता है, ये बार मैग्नेट के ही तरह होता है, तो जैसा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि बार मैग्नेट में कैसा स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसा ही ये भी बनाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग। पहला सिमिलर टू बार मैग्नेट हम लोग लिखे, दूसरा क्या हो जाएगा, इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, एंड आउटसाइड
डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस नज़दीक होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील, दूर रहेगा तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो वीकर आउटसाइड, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। इसी तरह वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर लें तो स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेंथ इसका किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्गर आप मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हम लोग लिख चुके हैं। दूसरा नंबर आउटसाइड, जो आउटसाइड होगा डिपेंड्स करेगा भी, बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी रेडियस, आर कह सकते हैं या आर से डिस्टेंस को भी डिनोट कर सकते हैं। तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न आप दीजिएगा उतना ही स्ट्रॉन्गर आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। चौथा इसमें चार चीज़ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, आपने जो मैटेरियल, तो ये टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन इंसान जो है उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है वीक वीक आयोनिक करंट्स फ्लोइंग इन द बॉडी, फ्लोइंग इन द बॉडी, इन द बॉडी काउजेस जेनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। बॉडी में क्या होते हैं, वीक आयोनिक जो करंट्स है ये दौड़ते रहते हैं फुल बॉडी में, ब्लड के साथ साथ कह सकते हैं जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचती है, जहाँ जहाँ जिस जिस सेल्स में क्या होता है ब्लड पहुँचता है, हर जगह हमको क्या दिखता है, जैसा कि डायग्राम में देखते देख सकते हैं आप कि येलो कलर का बॉडी दिखाया गया, यानी ये बॉडी के येलो कलर जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ वहाँ हमारे क्या हो रहे हैं, करंट्स दौड़ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जेनरेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जेनरेट, तो वीक आयोनिक फोर्सेस जो जेनरेट होते हैं पूरी बॉडी में फ्लो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग देखा जाता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग देखा जाता है, वीक करंट्स कहाँ जेनरेट होते हैं, तो दो मेन सोर्स है आपकी बॉडी में जहाँ पे क्या होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के जेनरेशन का प्रोसेस होता है। एक नंबर हमारा हर्ट हो जाता है, एक नंबर कहाँ हो जाता है, एक नंबर होता है हर्ट से वीक आयोनिक फोर्सेस या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं जनरेट होता है। दूसरा हो जाता है ह्यूमन ब्रेन, दूसरा हो जाता है ब्रेन। ये दो सोर्स है, इनको भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ काउजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या व्हाट आर द टू मेन सोर्सेस इन आवर ह्यूमन बॉडी व्हिच काउजेस जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हर्ट, दूसरा हो जाएगा ब्रेन। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या यूज़ है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे बॉडी है क्या होगा, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस प्रोड्यूस इन द बॉडी बॉडी हेल्प्स इन मेडिकल, किसमें हेल्प करता है, मेडिकल में हेल्प करता है। और मेडिकल में जो हेल्प करता है ये किस टाइप का हेल्प करता है, मेडिकल एमआरआई, एमआरआई किसको कहते हैं, एमआरआई कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को। तो एमआरआई किसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस, RESONANCE, इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जो येलो कलर का दिख रहा है यही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको कहते हैं नहीं डॉक्टर के घर जाना है और MRI करना है। MRI मतलब फुल बॉडी चेकअप, कहाँ आपकी बॉडी में सेल्स में दिक्कत है, क्या है नहीं है, ये सारा कुछ जो है एक ही चेकअप में, फुल बॉडी चेकअप में पता चल जाता है, ये हमारा यूज़ हो जाता है। तो दो मेन सोर्स है इसका जनरेशन का, कौन कौन सा मेन सोर्स है, एक ह्यूमन ब्रेन और एक ह्यूमन हर्ट। इस हिसाब से ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें डिस्कशन करने को। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।
जो टॉपिक है आपके सामने यह है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको अगर आप नहीं समझें तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग है, उसको समझने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। इस पे बेस कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह या फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर किस हिसाब से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम लोग देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? अ रूल रूल मतलब कह सकते हैं कानून, विच इज यूज्ड टू फाइंड फोर्स या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को अगर हम रखें तो उस पर फोर्स किस हिसाब से लगेगा, उस फोर्स को आपको क्या करना है, उस फोर्स को जो है आपको पता लगाना अगर है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करेगा, हमें इसमें मदद करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हम लोग पता करेंगे तो ये किस हिसाब से पता करेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको जो देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, बाई एडजस्टिंग फर्स्ट फिंगर FINGER फिंगर बाय एडजस्टिंग फर्स्ट फिंगर किसको कहते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ जो दिख रहा है आपको ये फर्स्ट फिंगर है हमारा, फर्स्ट फिंगर द मिडिल फिंगर एंड द थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड का क्या करेंगे, तीन फिंगर्स को लेंगे, किसको, फर्स्ट फिंगर इसको कहते हैं, मिडिल फिंगर इसको कहते हैं और थंब इसको कहते हैं। इसको कुछ इस तरह से लेंगे कि तीनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होना चाहिए। तो इसको कैसे अलाइन करते हैं हम दिखा देते हैं, और पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम अच्छे से दिखा देते हैं आपको कि किस हिसाब से अलाइन करना पड़ता है। तीन फिंगर लेना पड़ता है, इन विच, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन विच जो तीन फिंगर्स हम लोग अलाइन करेंगे उसमें से जो सबसे पहला फिंगर होगा, द फर्स्ट फिंगर, या इन विच द फर्स्ट फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला जो फिंगर है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला फिंगर किसको शो करता है, ये जो हमारा पहला फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर जिसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। उसके बाद द थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसको, ये जो थंब है हमारा, ये थंब को कुछ इस तरह जब हम लोग होल्ड करते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, तो ये थंब हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स डेट इज एफ, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था उसका सिंबल आप दे सकते हैं यहाँ पे बी। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा क्या है थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो कर रहा है, और इसी के साथ साथ जो हमारा बीच वाला फिंगर है एंड द मिडिल फिंगर एंड द मिड फिंगर फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से तीन फिंगर हमारा हुआ, तीन फिंगर को हम अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद जो है सबसे पहला जो फर्स्ट फिंगर हमारा होगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो बीच वाला फिंगर है ये हमारा क्या शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। तीन चीज़ करंट, सिर्फ करंट की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा लार्ज डिस्प्ले पे हम आते हैं, फिर आपको समझाते हैं, और इस पे क्वेश्चंस जो बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड जो है इस तरह अबव करना है। लेफ्ट हैंड को अबव करने के बाद सबसे पहले थंब आपको ऐसे ऊपर करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे थंब को आपको क्या करना है ऊपर करना है। उसके बाद धीरे धीरे जो है फिंगर्स को खोलना है, और फिंगर्स को खोलने के बाद हम क्या करेंगे सबसे पहला फिंगर जो है ये पूरा खोल लेंगे इस तरह, जैसे गन बनाते हैं देख सकते हैं ऐसे। उसके बाद बाकी तीनों फिंगर्स जो है बाकी तीनों फिंगर्स में से जो बीच वाला फिंगर्स है इसको आधा खोलेंगे। इस तरह से तीनों मेरा देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ऐसे इस हिसाब से, यहाँ से ये परपेंडिकुलरली, इन दोनों के बीच अगर एंगल देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलरली देख सकते हैं परपेंडिकुलरली, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो ये भी हमारा परपेंडिकुलरली इस हिसाब से देख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे हाथ को क्या कर लीजिए ऐसे खोल लीजिए, खोलने के बाद थंब को ऊपर कीजिए, बाकी फिंगर्स को हमको क्या करना है एक को यहीं छोड़ के बाकी तीन को बंद बंद करना है। जैसे हम बंद कर रहे हैं एक क्या करेंगे तीनों को आधा तक ले जाएंगे, उसके बाद आधा ले जाने के बाद एक को छोड़ के बाकी दो को बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ जहाँ पे ये जो मेरा फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब यहाँ आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल में आपका कुछ दो डायग्राम दिया गया है। इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप देखेंगे गौर से तो इन डायग्राम्स को आप देख सकते हैं। तो इन डायग्राम में आपका सबसे पहला जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा, पहला डायग्राम में एक हैंड बना हुआ है जिस हैंड में साफ साफ दिख रहा है कि थंब फोर्स को, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को, और फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, यानी बी बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और आई डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है। इसी तरह से तीनों परपेंडिकुलरली होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों को यहाँ दिखाया गया। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उसके बाद फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इसके बेसिस पे हम कैसे समझते हैं इस टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे, और आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए गए जो कंडक्टर है उस पर फोर्स के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, एक परमानेंट मैग्नेट रख लेते हैं, एक हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट रख लिया जिसमें पोल्स दे देते हैं इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेट अस सपोज ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये उसके बाद ये साउथ पोल हो गया। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी ऐसे हो गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस हिसाब से हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। इसमें क्या करेंगे एक वायर देंगे जिस वायर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे किसको, इस वायर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डिफ्लेक्शन को, यानी जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक वायर दे देते हैं एक वायर दे देते इस वायर को हम लोग क्या करेंगे इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, एक सेल से, कह सकते हैं कि एक सेल से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। एक बैटरी से हम लोगों ने क्या किया इसको कनेक्ट कर दिया। तो जहां से क्या होगा करंट फ्लो होगा आई, और जैसे ही करंट क्या होगा फ्लो होगा तो हम लोग जानते हैं कि इस वायर में भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि सबसे पहला जो था स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
अभी तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी कि जब क्या होगा करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे पास कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए, हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। कैसे दो मैग्नेटिक फील्ड? एक तो इस परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दूसरा हमारा जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इस हिसाब से हमारे पास दो मैग्नेट। तो जब दो मैग्नेट को हम क्या करते हैं आसपास रखते हैं तो क्या होगा, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों में से एक तो होगा। तो इसमें हम लोग को दिखेगा कि जो वायर है हमारा वो क्या करेगा, या तो मैग्नेट के अंदर तरफ खींचा जाएगा या फिर मैग्नेट के बाहर तरफ क्या होगा इस पे फोर्स हम लोग को दिखाई देगा। तो जो फोर्स दिखाई देगा वो किस हिसाब से होगा इसको, तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट है, दो चीज़ है, आई है और क्या है बी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे अलाइन करेंगे तो दो चीज़ अगर रहे तो तीसरी चीज़ हमको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दो चीज़ को सबसे पहले अलाइन करना है। तो अलाइन हम किस तरह से करेंगे, इसको अलाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारा जो आई का डायरेक्शन है उस पर आई मिल जाए। तो आई मेरा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो हम एडजस्ट करेंगे उसको ऊपर की तरफ। उसके बाद आपका बी कहाँ है, बी जो है आपका ऐसे नीचे की तरफ है, मान के चल लीजिए ये नीचे की तरफ है। तो इस तरह बी आपको डाउन की तरफ करना है, डाउन क्या मतलब आपके तरफ से इधर, यानी कि जो आपका मैग्नेट है हमारा मेरे तरफ से आपकी तरफ ऐसे कुछ है बी। तो हम बी को मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है इसको इधर कर लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ देख लीजिए आप ऐसे कर लिए। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे लेफ्ट हैंड में क्या करना है, करंट, करंट का डायरेक्शन हमें अगर क्या करना है ऊपर की तरफ है तो करंट को हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरे तरफ से आपकी तरफ है क्या जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो इसको ऊपर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ये देखिए आप मेरा थंब का डायरेक्शन किधर है, मेरा थंब का डायरेक्शन इधर किधर है, इधर है। तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो वायर था इस वायर पे फोर्स लगेगा इस तरफ, जो फोर्स काम किया किस तरफ, इनसाइड द मैग्नेट काम किया। तो इससे हमें पता चला कि ये जो वायर है इस पे एक फोर्स लगा जो इनसाइड की तरफ क्या किया, मूव किया, इधर मूव किया, किधर मूव किया, इधर मूव किया। इसी तरह अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम चेंज कर दे तो यही कॉयल क्या होगा बाहर की तरफ मूव होगा। तो इससे हमें पता चलता है बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन से डेट हाउ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट इज़ प्लेस इन साइड ए मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए इसका डेफिनेशन में हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो इनको पहले इरेज कर लिया जाए फिर बाकी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन एवर व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड देन इट एक्सपीरियंस इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन AttractionRSCTION अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन साइड ए मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेगा उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, एक नंबर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, जिधर प्रोटॉन अगर बाय द वे बोले कि एक प्रोटॉन मूव कर रहा है, हालांकि प्रोटॉन तो मूव नहीं करता वो न्यूक्लियस में होता है, तो अगर बाय द वे बोले कि प्रोटॉन सम सर्कमस्टांसेस पे एक तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं वो, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके डायरेक्शन में ही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन में ही करंट मूव करेगा। उसके बाद जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए जब बीटा पार्टिकल जिधर बोलेगा कि मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन हमको उसका उल्टा लेना है। उसके बाद गामा क्या होता है, जो गामा होता है ये न्यूट्रल होता है, गामा क्या होता है, गामा जो पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूट्रल होता है,
और गामा के साथ साथ और कौन न्यूट्रल होता है, देखिए दो पे नेगेटिव चार्जेस कौन, बीटा और इलेक्ट्रॉन, दो पे पॉजिटिव चार्जेस अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन उस पर कोई चार्जेस नहीं होता है, न्यूट्रॉन NEUTRO है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल होता है और गामा जो पार्टिकल होता है वो भी न्यूट्रॉन, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव और दो न्यूट्रल, न्यूट्रल जब होगा उस पर कोई भी फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखेगा, जब पॉजिटिव होगा तो उसके डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेना, जब नेगेटिव होगा तो उसके उल्टा डायरेक्शन में हमको क्या करना है, करंट का डायरेक्शन लेना। तो आइए इन्हीं के बेसिस पे एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अक्सर जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। है आपके सामने एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम योर फ्रंट टू योर बैक वॉल, यानी आप एक रूम में बैठे हैं कुछ इस तरह से, आपके फ्रंट से क्या होता है आपके बैक वॉल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन सडनली मूव कर रहा है आपके रूम में, इन योर रूम, आपके रूम में, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट। अब डायरेक्शन आपका कैसा है, आपका जो लेफ्ट है लेफ्ट से राइट में आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इधर से आपका क्या हो रहा है इधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यानी ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, बिकॉज द कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन जो करंट का होता है वो उससे अपोजिट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे इस तरफ से इधर जा रहा है तो मतलब चार्ज इधर से इधर आएगा, फ्रंट से अगर बैक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बैक से आगे क्या आएगा आपका चार्ज मूव करेगा, यानी कि करंट मूव करेगा। तो यही कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्या कर रहा है फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन योर रूम इज फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट, आपके लेफ्ट से कहाँ है राइट की तरफ है, तो देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता करना है। ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए तीन चीज़ की बात हो रही है, करंट, सिंपल करंट, इंड्यूस करंट नहीं, इंड्यूस करंट बाद में पढ़ेंगे जब राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, सिंपल करंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब तीन चीज़ अप्लाई होगा तो हम सीधे अप्लाई करेंगे क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है एडजस्ट करना है, क्वेश्चन उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, तो पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा करके जो है हम दिखा देते हैं कैसे फाइंड करना है, फिर इसका आंसर भी हम लिख देंगे कि अबव होगा डाउन होगा राइट होगा लेफ्ट होगा या किस तरफ होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका क्या दिया हुआ है, आपका सबसे पहले कह रहा है कि आपके फ्रंट से बैक में जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन, तो मतलब आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उससे उल्टा होगा, यानी करंट का डायरेक्शन आप इस तरह होल्ड कर सकते हैं कि पीछे से सामने की तरफ, ये करंट का मेरा डायरेक्शन रहा, पहले आपने ऐसे होल्ड कर लिया करंट का डायरेक्शन ये, अभी बाकी दोनों जिधर रहता है आप रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको ऐसे रख सकते हैं करंट का डायरेक्शन। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि आपके लेफ्ट से राइट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है दोनों उंगली को ऐसे ही रखना है, हैंड को रखते हुए आपको हैंड को रोटेट करना है लेफ्ट टू राइट, ये मैंने कर दिया, तो अब देखिए मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या डाउनवर्ड जा रहा है, तो बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है देखिए ये इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा था तो पीछे से सामने की तरफ क्या, ये मेरा मिडिल फिंगर जो शो कर रहा है किसको, करंट को शो कर रहा है, और इसी तरह से करंट को जब मिडिल फिंगर शो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेरा लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट टू राइट ये हो गया, और उसके बाद तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको किधर दिख रहा है ये डाउनवर्ड, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज डाउनवर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, DOWN डाउन, WARD डाउनवर्ड, ये सही आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड। और कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसपे हम लोग अगर चेंज करें तो फिर डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा फोर्स भी चेंज होगा, जैसे मान लीजिए अभी आपका कैसा था कुछ इस तरह से था कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट सामने से इधर आ रहा था, डायरेक्शन ऑफ क्या आपका करंट इधर आ रहा था, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर था तो आपका ये नीचे था, अगर बोलेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका अगर कहाँ से आपके राइट से लेफ्ट हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज ना हो तो हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा फोर्स फिर अप साइड हो जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों से एक को भी हम अगर अपोजिट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी डाउन टू अप हो जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा वन ऑफ द, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दो टॉपिक है हमारा क्या है, एक है हमारा द इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये अभी हम लोग इसके बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अगला आएगा हम लोग का एसी जनरेटर एंड मोटर, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, मोटर तो अभी पढ़ लेंगे, तो ये टॉपिक हमारा मोटर और जनरेटर दोनों में से ऑल्टरनेट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं द इलेक्ट्रिक मोटर।